हेलो फ्रेंड्स, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट पीएचपी में इंट्रोडक्शन अबाउट कुकी के बारे में डिस्कस करेंगे। कुकी एक टेक्स्ट फाइल होती है। कुकी की फाइल का साइज 4KB तक हो सकता है। कुकी का ब्राउजर में यूजर के कुछ इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना, फॉर एग्जांपल यूजर क्या सर्च कर रहा है, यूजर का यूजर नेम, पासवर्ड, यूजर कितने टाइम तक वेबसाइट पर एक्टिव रहता है, यूजर ने वेबसाइट को कितनी बार विजिट की है, मल्टीपल कुकीज भी सेट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब कोई यूजर कुछ सेट किए हुए कुकी वेबसाइट पर जाता है, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट हो, जब यूजर इन वेबसाइट्स को विजिट करता है या कुछ सर्च करता है, तो वेबसाइट्स यूजर के ब्राउजर पर जितनी भी सेट कुकी होती हैं, उनको यूजर के ब्राउजर पर स्टोर कर देती है। जब कुकी स्टोर हो जाती है, तब उस वेबसाइट पर यूजर क्या क्या एक्टिविटीज करता है, ये वेबसाइट द्वारा सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर देता है। तब उस वेबसाइट्स पर रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन यूजर को वेबसाइट के जरिए बता देता है। फॉर एग्जाम्पल जब यूजर ने किसी भी वेबसाइट पर कौन सी भी इंफॉर्मेशन देखी है, तो उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर हो तो यूजर के ब्राउजर पर दिखाई देती है। ये सब कुकीज की वजह से होता है। कुछ वेबसाइट्स की कुकी ट्रस्टेड होती है, कुछ रिस्की होती है, जो थर्ड पार्टी एक्सेस कर सकती है, जो यूजर से कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकती है। यूजर के लिए बेस्ट वो ब्राउजर होता है जिसमें थर्ड पार्टी कुकीज को एक्सेस ना कर सके। अब हम बात करते हैं कुकी को पीएचपी में सेट कैसे किया जाता है। सेट कुकी, पीएचपी में कुकी को सेट करने के लिए सेट कुकी फंक्शन का यूज किया जाता है। सेट कुकी फंक्शन में 6 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। सिंटैक्स फॉर सेट कुकी फंक्शन। सेट कुकी फंक्शन में नेम, वैल्यू, एक्सपायरी, पाथ, डोमेन, सिक्योरिटी, इन 6 पैरामीटर्स के थ्रू वैल्यू को एक्सेस किया जाता है और कुकी को सेट किया जाता है। फर्स्ट है नेम। यहाँ पर कुकी का नेम आता है जिसमें कुकी की वैल्यू को नेम के थ्रू एक्सेस किया जाता है। वैल्यू, ये कुकी की वैल्यू होती है जिसमें हम यूजर के कंप्यूटर पर वैल्यू को स्टोर करते हैं। एक्सपायरी, टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में टाइम में यहाँ एक्सपायरी टाइम दिया जाता है। इस टाइम के बाद कुकी एक्सेसिबल नहीं हो पाता है। इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। 0 वैल्यू जब होती है तो उस टाइम पर ब्राउजर एग्जिट कर देता है और कुकी वैल्यू एक्सपायर हो जाती है। कुकी टाइम एक्सपायर हो जाता है। पाथ, कुकी कहाँ अवेलेबल होगा ये पाथ में डिफाइन किया जाता है। इसमें हमें अगर सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है तो वेबसाइट सभी डायरेक्टरीज पर वैलिड होती हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉरवर्ड स्लैश और ऑप्शनल हो सकता है। डोमेन, कुकी कहाँ पर अवेलेबल होगा यहाँ वो डोमेन दिया जाता है। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जिस डोमेन पर कुकी की सेट की जाती है उसका डोमेन यहाँ पर आता है और ये ऑप्शनल होता है। सिक्योरिटी, यहाँ 0 HTTP और 1 HTTP की 2 वैल्यूज होती हैं। HTTP एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम वेब पेजेस पर सर्च की गई इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए इसका यूज करते हैं। अगर 1 दिया जाता है तो कुकी तभी सेंड किया जाता है जब वेब सर्वर HTTP का यूज कर रहा है। अगर 0 दिया जाता है तो बाय डिफॉल्ट इस वेब सर्वर पर इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल सेट कुकी फंक्शन में कुकी का नाम, कुकी नेम सेट कैसे किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने कुकी की वैल्यू को सेट करना है। कुकी की एक्सपायरी डेट 1 दिन, 60 सेकेंड, 60 मिनट, 24 आवर्स तक की दी गई है। यहाँ सेट कुकी में पाथ, डोमेन, सिक्योरिटी डिफॉल्टली सेट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने पीएचपी में सेट कुकी नाम का फंक्शन लिया जिसमें हमने कुकी का नेम और कुकी की वैल्यू विद टाइम स्टैम्प के थ्रू एक्सेस की है और हमने यहाँ पर टाइम स्टैम्प में टाइम फंक्शन में वैल्यू 60 सेकेंड, 60 मिनट एंड 24 आवर्स दिया है। अब हम पीएचपी में जब इसे इको करवाएंगे तो कुकी इस सेट आउटपुट में डायरेक्टली एक्सेस होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कुकी को सेट किया है बाय डिफॉल्ट, तो कुकी का आउटपुट आएगा कुकी इज सेट फॉर 1 डे। एक्सेसिंग कुकी इन पीएचपी, पीएचपी में कुकी को कैसे एक्सेस किया जाता है इसके बारे में हम बात करते हैं। कुकी को रिट्राइव या एक्सेस करने के लिए $_cookie इस सुपर ग्लोबल फंक्शन का यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर पीएचपी में इको करवाया है कुकी वैल्यू को और हम यहाँ मेथड या फंक्शन यूज कर रहे हैं $_cookie और उसमें कुकी नेम को प्रिंट कर रहे हैं, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुकी वैल्यू इक्वल कुकी
की वैल्यू आएगी। यहाँ पर कुकी सेट है या नहीं है ये देखने के लिए हम इस सेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कुकी सेट है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम इस सेट फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इफ इस सेट में फंक्शन में डॉलर कुकी कुकी का नेम इंसर्ट किया और हम इको करवा रहे हैं कुकी की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग मेथड से, तो हम उसमें डॉलर अंडरस्कोर कुकी और कुकी का नेम पुट करेंगे और हम स्ट्रॉन्ग टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ एल्स में कुकी इज नॉट सेट फंक्शन प्रिंट होगा। अगर हमारी कुकी वैल्यू सेट होगी तो कुकी वैल्यू इज सेट के थ्रू आएगी, अगर हमारी कुकी वैल्यू सेट नहीं होगी तो नॉट सेट आएगा। तो हमारे आउटपुट के अंदर कुकी वैल्यू सेट है इसलिए कुकी वैल्यू इज कुकी वैल्यू डिफाइन की गई है। डिलीटिंग कुकी इन पीएचपी, कुकी डिलीट करने के लिए हम सेट कुकी फंक्शन का ही यूज करते हैं। जो कुकी डिलीट करनी है उसका सिर्फ नेम और एक्सपायरी टाइम, जो बीता हुआ टाइम निकल चुका है उसको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेट कुकी में हमने कुकी नेम दिया, पाथ डिफाइन नहीं किया, टाइम में हमने जो टाइम दिया था टोटल टाइम में से माइनस कर दिया और अब हम इसको प्रिंट करेंगे तो इको कुकी इज डिलीटेड, तो हमारे पास आउटपुट में कुकी इज डिलीटेड आएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।